So here it is after freezing for some time. अब दिवाली is here. अब दिवाली आ गई है तो मिठाई तो बनती है, लेकिन बाजार की अल्टरनेटिव मिठाई खा के क्यों अपनी हेल्थ खराब की जाए, जबकि एक सिंपल सी मिठाई सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और बहुत कम समय पे घर पे ही बन सकती है। देखिए ये 1 to 1.5 कप कोकोनट मिल्क में 2 टेबलस्पून चिया सीड्स हमने 3 to 4 आवर्स सोक फ्रिज में रख दिया था सोक करने के लिए, एंड दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी इज, दिस इज व्हाट द कंसिस्टेंसी इज। इसके साथ हमने 5 to 6 डेट, 10 to 12 आलमंड्स, 10 to 12 रेजिन्स, 10 to 12 कैश्यूज हाफ जो रहता है वो हमने लिए हैं, और इसको हमने गर्म पानी में सोक कर दिया है। आप उसको आधे घंटा भी सोक कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी सोक कर सकते हैं, तो करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं इसी मिक्सचर को हम ब्लेंड कर लेंगे, एंड वी मेक मिक्स बोथ द थिंग्स टुगेदर एंड विल गेट अ हेल्दी ड्राई फ्रूट चिया पुडिंग। How our mixture looks. Now we just have to blend this both together. So this is how it will be. अभी हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये दोनों मिलके अच्छे से सेट हो जाए, एंड आफ्टर 30-35 मिनट्स वी विल टेक इट आउट एंड सर्व इट नाइसली। सो हियर इट इज आफ्टर फ्रीजिंग फॉर सम टाइम, अब हम इसको सर्व करेंगे। इसमें इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसमें कोई भी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के, व्हेन वी आर सोकिंग यू कैन ऐड नट्स ऑफ योर चॉइस। इसमें आप थोड़ा सा सैफरन डाल सकते हैं व्हेन यू आर सोकिंग, सो इट विल गिव यू नाइस येलो कलर, और यू कैन यू नो मे बी ऐड वाइल गार्निशिंग यू कैन ऐड सम रोज पेटल्स और जस्ट चॉप इट सम गार्निश विद सम चॉप्ड नट्स, थोड़ा सा आपका केसर स्टैंड एंड योर हेल्दी चिया पुडिंग इज रेडी।